दूधवा में श्रावी शिक्षकों को हटाने व विद्यालय में हुई चोरी का खुलासा करने की मांग को लेकर ग्रामीण व विद्यार्थी विद्यालय के तालाबंदी कर बैठे धरने पर। पूर्व विधायक की समझाइश के बाद खुला ताला, दोनों शिक्षकों को हटाया। सायला उपकुंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत आलवाड़ा के ग्राम दूधवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधवा में शनिवार सवेरे से ग्रामीणों ने दो शराबी शिक्षकों को हटाने व विद्यालय में हुई चोरी का खुलासा करने की मांग को लेकर ग्रामीण व विद्यार्थी विद्यालय के तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय में दो शिक्षक पिछले कई महीनों से लगातार शराब पीकर विद्यालय में आते हैं तथा साथ ही बच्चों के साथ गलत व्यवहार तथा गलत हरकतें करते हैं। ऐसे में उनका व्यवहार देखकर कई बार ग्रामीणों द्वारा समझाइश करने के बाद भी वे उनकी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इसी विद्यालय में 15 दिन पहले हुई चोरी की घटना को लेकर सायला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन मौके पर कोई जाँच अधिकारी नहीं पहुँचा। ऐसे में वहीं कक्षा 12वीं के विद्यालय होने के बावजूद भी यहाँ पर 6 शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य को देखते हुए समस्त ग्रामीणों की मांग है कि दोनों शराबी शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जब तक शिक्षकों को नहीं हटाया जाता है तब तक धरना जारी रहेगा, जिसकी सूचना पर पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, शिक्षा विभाग के RP लुम्बाराम सौंदरी मौके पर पहुँचे व ग्रामीणों से समझाइश की। वहीं दोनों शिक्षकों को हाथों हाथ विद्यालय से कार्यमुक्त किया गया व नए शिक्षक लगाने व चोरी का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया, जिस पर ग्रामीण मान गए व धरना समाप्त कर विद्यालय गेट से ताला खोला गया। शिकायत आई कि हमारे स्कूल में दो टीचर ऐसे हैं जो डेली शराब पी के आते हैं और बच्चों के साथ भी हरकत करते हैं, और गांव वाले स्कूल में आते तो उनके साथ भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। गांव वालों ने मुझे कहा कि हम सब धरने पर बैठे हैं, बच्चे और पूरे गांव के लोग, तो जब मुझे इन्होंने मैसेज किया तो मैं यहाँ आया और शिक्षा विभाग से बात की। दोनों मास्टरों को आज यहाँ से रिलीव करके सायला में ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। अब उसके आगे इनको बीकानेर भेजे या किसी और जगह भेजे, लेकिन अपने जालौर विधानसभा क्षेत्र में ये नहीं रहेंगे। और दूसरी जो मास्टरों की कमी है उसको पूर्ति करने के लिए अभी जो नए छात्रगृह मतलब इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें सिलेक्शन होंगे, तो जो दो यहाँ से जा रहे हैं उनके बदले में ला करके स्कूल संचालन करेंगे। और गांव वाले को सब ने इस चीज़ को माना है और गांव वाले जो धरने पर बैठे थे ये दोनों रिलीव होने के बाद ये धरना खत्म करते, वो सब खत्म है, सब खत्म करते। और धन्यवाद गांव वालों का, आप पत्रकारों का और शिक्षा विभाग का और काम दूधवा का। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय में टीचर से दूध शराब पी कराते और हमको पढ़ाते नहीं, उसको हटाना। आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधवा की है जहां पर टीचर लोग शराब पी कर आते हैं और गलत हरकतें स्कूल में करते हैं और कभी कभार आते भी नहीं है, आते हैं तो वे लोग बहुत देर से आते हैं, मतलब प्रार्थना करवाने के 2-3 घंटे बाद, लगभग लंच का समय भी कभी कभी रहता है। और स्कूल में भी कभी कई बार पकड़े गए हैं, जिनके जेबों में भी बोतलें पाई गई है। गांव वालों के और बाकी टीचर्स के समझाने पर भी वे नहीं समझ रहे हैं, हमसे भी काम करवाते हैं और शराब पीकर आते हैं और हमें क्लासों में भी मारते पीटते हैं। कितने टीचर आते शराब पीकर? दो टीचर।